देखिए, ये जो शर्मनाक और अफसोसनाक सानहा उड़ी में पेश आया है, और यकीन नहीं होता कि इस किस्म के दरिंदा सिफत लोग जो हैं हमारे बीच मौजूद हैं, जो इस हद तक गिर सकते हैं कि अपने अजीज व अकारिब को निशाना बनाना, बच्चों को निशाना बनाना और उनके आज़ा निकालना, ये तो एक अनइमेजिनेबल एक सिचुएशन है। और इसकी जितनी भी मजम्मत और मलामत की जाए वो कम है। अभी तो मासूम आसिफा जो कुठुआ की बच्ची थी, उसका उसके जख्म तो अभी हरे ही हैं। उसके बाद इस किस्म का सानहा पेश आना, मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी और हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। और ख़ासकर जिन अकदार का पर हमें फ़ख्र रहा है, चाहे वो इस्लामी अकदार हों, इंसानी अकदार हों, अखलाकी अकदार हों, हमें इसका जायज़ा लेना है कि क्या वजूहात हैं कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। इस सब के लिए जो है हमें मिलकर काम करना है, इन रुझानात को हमें रोकना है। और हमारा ये मुतालबा भी है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी मुलजमीन हैं, जो भी ये जो मैं कहूँगा कि इंसान नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर जो ये धब्बा है, जो जो हैवानियत का जिन्होंने मुजाहरा किया है, इनके खिलाफ करार वाकई सजा दी जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये इबरत बाकियों के लिए रहे कि इस किस्म के हवाले से भी कोई सोच भी न सके।